गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपने डायले पे टूल्स को कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो में सिंपल स्टेप है, आपको उन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपने डायले पे टूल्स को इनेबल कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में अपनी सेटिंग को ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद गाइस आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन, तो हम उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो हमें एडवांस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, तो नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है डायल पैड टूल्स। तो गाइस हम अपने फ़ोन में अपने डायल पैड टूल्स को इनेबल करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपने डायल पैड टूल्स को इनेबल कर सकते हैं। तो गाइस आइए गाइस आपको चेक कराते हैं जो हमने अपनी डायल पैड टूल्स लगाई है वो ऑन हुई है या नहीं। तो गाइस उसके लिए हमें डायल पैड में जाना है और उस अपना यहाँ पर अपना कोई भी नंबर सेट करना है। तो गाइस देखिए जो हमारी डायल पैड टूल्स वो इनेबल हो चुकी है। तो गाइस इस तरीके से आप भी अपने फ़ोन में अपने डायल पैड टूल्स को इनेबल कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।